हाथ बढ़ाया सब तक, शुरुआत में सब कुछ खोया, दिल में होती थी थक थक, पर हार न मानी हमने, खुश चेहरे न देखे जब तक आए शून्य से अलग तक, हम शून्य से अलग तक। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड हियर आई एम विद माय अनदर स्टडी व्लॉग। ये मेरा संडे वाला व्लॉग है, मैंने मंडे को कुछ भी शूट नहीं किया था ना रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली मैं मंडे को एक्टिव ही नहीं थी ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, क्यों नहीं थी मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मेरा संडे का व्लॉग था, जैसे मैंने बताया कि मुझे फिजिक्स रिवाइज करना था, मैंने फिजिक्स के जो जो चीज़ें मुझे पता थी, मतलब लेक्चर मैंने अटेंड किया था, सारे लेक्चर के नोट्स रिवाइज किए, और उसके बाद ना मुझे कुछ कुछ टॉपिक में डाउट आ रहा था, तो फिर मैंने उन चीज़ों के लेक्चर वापस से देखे, और फिर DPP वगैरह सॉल्व किए, जो क्लास में सर ने क्वेश्चन कराए थे उनको एक दो बार करके देखा। तो मैं चलो ये बता देती हूँ कि मैं मंडे को क्यों एक्टिव नहीं थी, मैंने मंडे का व्लॉग भी नहीं बनाया, इवन आज ट्यूसडे, मैंने ट्यूसडे का भी कुछ भी शूट नहीं किया है। एक्चुअली थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके कारण मैं कल मतलब मंडे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी, और आज ट्यूसडे को जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, उस दिन भी मेरी सुबह से कोई पढ़ाई नहीं हुई है। मंडे को मैं सुबह उठ गई थी चैलेंज के लिए, संडे को मैंने मेरा पूरा चैलेंज कंप्लीट किया है, बट जो मंडे की सुबह थी मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद ना थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स हो गई। अब पता तो है फैमिलीज, फिर इतने मासूम रिलेटिव्स होते हैं ना हमारे, भगवान ने हमको इतने अच्छे रिलेटिव दिए होते हैं, सबके नहीं होते बट कुछ कुछ लोगों के अजीब से रिलेटिव्स होते हैं, तो उनकी किच किच, तो इस कारण थोड़े से पर्सनल इश्यूज के कारण मेरी कल की मतलब मंडे की कुछ भी क्लास अटेंड नहीं हो पाई, मेरा मंडे का पूरा बैकलॉग हो गया है, इवन ट्यूसडे का भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस मेरी मिस हो गई है। अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसके बाद जाके बैकलॉग्स कंप्लीट करूँगी, और ये भी हो सकता है कि मैं शायद आने वाला एक दो व्लॉग इसके बाद एक दो व्लॉग स्किप हो जाए मेरा, क्योंकि अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, और आप समझ रहे होंगे ना कि ऐसे टाइम पे व्लॉग बनाना ये वो करना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार, तो फिर व्लॉग थोड़ी बनाऊंगी, और मेरा टेस्ट भी है और मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी, रिविजन कर रही हूँ, बट देखो ऐसा है ना, मैं एक बात बताती हूँ, मैंने ना किसी से सुना था, अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलरली करें और आपने एक दिन मिस कर दिया और एक दिन उसका कुछ भी नहीं किया ना, आप 10 से 15 दिन पीछे चले जाते हो, ऐसा मैंने सुना है। तो वो सोच के मेरे को और ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, टेस्ट अभी 10-12 दिन में टेस्ट है, और यहाँ पे मैं आलू मिर्ची क्यों काट रही, क्योंकि मुझे आज ब्रेकफास्ट बनाना था संडे को ऑब्वियसली, तो उसी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी मैं, जो लेक्चर में डाउट थे उसको देखते हुए। क्या है ना कि मैं कुछ काम करते करते ना शॉर्ट नोट्स वगैरह या फिर कोई नोट्स रिवाइज नहीं कर पाती, इसलिए मेरे को कुछ भी काम करते हुए अगर पढ़ाई करनी होती है तो मैं कोई भी लेक्चर खोल लेती हूँ, जो लेक्चर मुझे समझ में आता है, और फिर उस लेक्चर को देख लेती हूँ। फिर फिजिक्स का मेरा जितना रिविजन मुझे करना था उसको करने के बाद मैंने देखा कि आज बायोलॉजी का सर लेक्चर डालने वाले थे, खैर रिकॉर्डेड NCERT का लेक्चर, बट आया नहीं था, तो फिर मैंने क्या किया कि सर के नोट्स रिवाइज किए, नोट्स रिवाइज करने के बाद NCERT कर ली बॉटनी की। मुझे एक और बात बतानी थी कि अभी यकीन बैच का प्राइस, हिंदी मीडियम वाला और यकीन 2.0 दोनों के प्राइस अभी बहुत कम हो गए हैं, और ये ऑफर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2nd of June तक के ही वैलिड है, तो जिन लोगों ने नहीं लिया था, कुछ लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण भी लोग नहीं ले पा रहे थे, तो अभी प्राइस बहुत डिक्रीज हो गए हैं, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर लो अभी, और आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर लेना RM150, तो एक्स्ट्रा 150 डिस्काउंट मिल जाएगा। यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है टेस्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले 2 दिन तक के मेरी हेल्थ इश्यूज़ के कारण बैकलॉग हो गए थे, उसको खैर मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट अभी ये फैमिली इश्यू थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा बैकलॉग हो गया 2 दिन का, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जितना सीरियस होने की कोशिश कर रही हूँ उतनी प्रॉब्लम्स आ रही है सामने। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं
पढ़ना नहीं चाहती तो बस बहाने मारी, एक्सक्यूजेस दे रही हूँ, ऐसा नहीं है यार। मैं सीरियस होके पढ़ती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है, बट खैर प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, हमको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकालना ही होगा। और मुझसे ना कुछ लोग बोल रहे थे कि PW का बैच शेयर कर लेते हैं, हमको एक्सेस दे दो। यार पता है, अगर मैं लैपटॉप में लॉगिन करती हूँ ना तो मैं अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पाती वही अकाउंट, क्योंकि मेरे को पहले लैपटॉप से लॉग आउट करना पड़ता है फिर अपने फ़ोन में लॉगिन करना होता है। तो दो स्क्रीन पे तो एक्सेस दे ही नहीं रहा है PW, तो फिर बैच शेयर करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी वैसे भी प्राइस डिक्रीज हो गए हैं, तो जिनको प्रॉब्लम थी जो नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा सा मैनेज करके परचेस कर लो। और रही बात चैलेंजेस की, तो आप लोग चैलेंजेस कंटिन्यू रखो, कोई भी बंद मत करना। और चैलेंजेस कंटिन्यू रख रहे हो इसके आप प्रूफ दे सकते हो, आप कमेंट पे कहीं पे भी सुबह 5 बजे आके मैं कमेंट कर देना, कुछ भी करना, बट आप लोग अपना चैलेंज कंटिन्यू रखो। मेरा मैं 1-2 दिन में मूड ठीक होते ही सब कुछ वापस से कंटिन्यू करूँगी। अभी बैकलॉग हो गया, पहले बैकलॉग कवर करूँगी। मुझे नहीं पता बैकलॉग कवर करते करते मेरे को रात भी हो सकती है तो सुबह उठने में लेट हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो 1-2 दिन बस वेट करो, व्लॉग्स भी थोड़े से डिसकंटिन्यू हो सकते हैं और चैलेंजेस भी। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई और चैलेंजेस कंटिन्यू रखना, एंड आई होप कि आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, क्योंकि थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी यूट्यूब पर मेरी, बट स्टिल प्लीज़ सपोर्ट मी। क्योंकि इस टाइम ना आप लोग बोलोगे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग भी डालना है, इधर अलग मेंटली स्ट्रेस है थोड़ा सा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थोड़े से पर्सनल फैमिली इश्यूज़ है, वरना मैं शेयर कर देती हूँ मेरी प्रॉब्लम। मैं जनरली मैं पढ़ रही हूँ, क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, बट थोड़ी सी पर्सनल इश्यूज़ है तो बेटर होगा कि उसको अलग ही रखें। और बस मेरे पास आज ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बस पढ़ते रहो यार, मैं भी कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की, या प्रॉब्लम्स आएगी तो आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालूँगी और अपनी आलस दूर करूँगी। सबसे बड़ी बात, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। अच्छा ये बताओ, कौन कौन आलसी है, कौन कौन मानता है कि वो बहुत ज़्यादा आलसी है? आई थिंक उस पर अगर रैंक आएगी ना आलसी लोगों की, तो सबसे फर्स्ट रैंक तो मेरी ही होगी, इतना मुझे कन्फर्म पता है। खैर वो सब छोड़ो, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे व्लॉग को, आप लोग पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब भी आएगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी।